ये सवाल है टीम का, इसमें यदि उत्तर नहीं मिलते हैं तो हर का प्रमेय कर दे, हर है ना, इसका प्रमेय कर दे। जो आपको नाइन में बताया है कि हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, कि हर की जो कॉन्जुगेट संख्या है, संयुग्म की संख्या है, उसको अंश हर से गुणा करेंगे तब हर का प्रमेयकरण होगा। तो इसका प्रमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट तीन बटा दो अंडर रूट तीन, दो अंडर रूट दो प्लस दो अंडर रूट छह। इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तो इसके अंश और हर है ना, उसके हर की कॉन्जुगेट संख्या से ऊपर नीचे गुणा। तो पहले तो दो कॉमन निकालेंगे, अंडर रूट तीन बटा दो इंटू अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट छह है। अब इसकी संयुक्त संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट छह बटा अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट छह। इसको अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट छह में अंडर रूट दो माइनस छह का भाग लगाएंगे तो एक आएगा, और एक से किसी संख्या को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने एक से ही गुणा किया है। क्यों किया है? हर का प्रमेयकरण करने के। अब अंश को अंश से गुणा करो, हर को हर इक्वल। अंडर रूट तीन को अंडर रूट दो से करते हैं अंडर रूट छह, अंडर रूट छह। अंडर रूट तीन को माइनस अंडर रूट छह से गुणा करते हैं माइनस अंडर रूट छह की अठारह, अंडर रूट अठारह। अपॉन ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये गुणनफल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो इसको क्या है, हर को गुणा करते हैं तो दो इंटू अंडर रूट दो का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट छह का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये गुणनफल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनफल है, तो इसको करेंगे तो ये ही आएगा। अब इक्वल अंडर रूट छह माइनस अंडर रूट अठारह अपॉन दो इंटू दो का वर्ग सात माइनस छह का अंडर रूट छह का वर्ग छह बराबर चार के छह का माइनस दो बराबर है अंडर रूट छह माइनस अंडर रूट बटा दो गुणा माइनस दो, दो गुणा माइनस दो बराबर माइनस अंडर रूट छह माइनस अंडर रूट अठारह अपॉन चार। इस प्रकार से इसके हर का प्रमेयकरण हो गया। अब हर में परिमेय संख्या की है परिमेय, इस प्रकार से इसका आगे हल करना है, हर का परिमेयकरण इस प्रकार से करना है। अब आगे सवाल और चौथा पार्ट है इसमें दो बताते दो आप करने अगले दूसरे सवाल में देखेंगे। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर दो है 213।
30 डिग्री अपॉन ए प्लस टेन स्क्वायर डिग्री, ए प्लस टेन स्क्वायर डिग्री, इसका मान निकालना है। इसके मान के लिए इक्वल दो गुणा 35 का मान एक बटा अंडर रूट 3 भाग बटा है ये भाग में लिखेंगे 1 प्लस 35 का मान एक बटा अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। एक में 10 स्क्वायर 30 का मान जोड़ करके फिर इसमें भाग लगाना है। आप इसको गुणा करते हैं 2 को 1 बटा अंडर रूट 2, 3 से करते हैं तो 2 बटा अंडर रूट 3 भाग 1 इले 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 का वर्ग 1 बटा 1 बटा अंडर रूट 3 है इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 और अंडर रूट 3 का 3 बराबर है 2 बटा अंडर रूट 3 बाहर 1 में 1 बटा 3 जोड़ेंगे हल का लघुत्तम 1 और 3 का एलसीएम या लघुत्तम 3 1 को बड़ों का कुल 3 ना 1 का 3 बार होते तो 3 1 का 3 प्लस 3 में 3 को बार लगा 1 बार 1 को इससे करते हैं तो 1 इक्वल 2 बटा अंडर रूट 3 भाग 3 में जोड़ा 4 4 बटा 3 और भाग को गुणा में बदलते हैं तो भाग के बाद वाली जो संख्या है अंश तो हर अंश बदलता है हर अंश तो गुणा 3 बटा 4। अब इसको 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 से काटते हैं। अब अंश को अंश से गुणा करो हर को अंश तीन एकम तीन और नीचे ये एपरमे है ये परमे है तो 2 अंडर रूट 3। अब यहां इसके उत्तर नहीं आते हैं इसलिए क्या करते हैं हर का परमेय कर करते हैं। इसके लिए अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं अंडर रूट 2 और 9 का वर्ग रूट 3 और नीचे वाला वैसे के वैसे छोड़ेंगे 2 अंडर रूट 3। अब ये अंडर रूट 3 से कट गया और ये बच गया अंडर रूट 3 बटा 2। इस प्रकार से इसको हल करना है।